हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 3। तो डे 3 का ये एज का क्वेश्चन करने से पहले मैं इसके होमवर्क डे 2 के क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ। ओके, सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आराम से ये क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है? उसके बाद आराम से सॉल्यूशन है, आप आराम से देख लेना, ठीक है? बहुत ही प्यारा आसान सा है, आराम से आप कर पाओगे। फिर भी कोई दिक्कत आती, कमेंट सेक्शन आपका खुला है, टेलीग्राम आपके लिए खुला है, आपके लिए कुछ बंद थोड़ी ना है, ठीक है? आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, आप आओ और अपनी हाजिरी लगाओ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाओ, ठीक है? चलो, डे 2 हमारा कंप्लीट। डे 3 पे हम लोग बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही प्यारा सा मजेदार सा क्वेश्चन करेंगे। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले। ओके, द एवरेज ऑफ द हजबेंड एंड वाइफ एज सॉरी वाइफ एज वॉज 30 ईयर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, ठीक है? कब? जब होती है उनकी मैरिज, ठीक है? तब हजबेंड का एज मान लेता हूँ, वाइफ का डब्ल्यू मान लेता हूँ मैं। हजबेंड प्लस वाइफ डिवाइडेड बाई 2 कितना है? 23। एज हमारी ऐसी निकलती है ना, सॉरी एवरेज इक्वल टू 46। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आफ्टर 5 ईयर्स दे हैव 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ठीक है? मतलब 4 साल तक मैरिज के बाद एंजॉय करा, उसके बाद बच्चा हुआ है, ठीक है? तभी 1 साल का बच्चा हो गया, ठीक है, 5 साल बाद। ओके, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली नाउ। ओके, एवरेज एज पूछी गई है अभी, सॉरी, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली नाउ। ओके, नाउ मतलब आपको उनका मैरिज के टाइम की एवरेज एज, और नाउ जब भी पूछा जाए तो प्रेजेंट एज। ओके, तो आप लोगों का जब भी हम लोग कुछ भी वेरिएबल मानते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट में मानते हैं, ठीक है? माना कि लेट्स लेट वी एज ऑफ हस्बैंड लेट एज ऑफ हस्बैंड वी एच एंड वाइफ एज बी डब्ल्यू एट प्रेजेंट टाइम। ओके, देन वी हैव अकॉर्डिंग टू गिव इन क्वेश्चन, ओके, दिस वन, देन इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एच सॉरी आफ्टर 5 ईयर, 5 साल इसका ही बढ़ जाएगा, प्लस 5 साल इसका ही बढ़ जाएगा। ओके, और क्या है, 1 साल का उनका बच्चा भी है। ओके, अब इनका एवरेज पूछा गया है, ठीक है? ओके, एवरेज ऑफ द फैमिली आफ्टर 5 ईयर दे हैव 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड ऑल्सो। ओके, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? एच प्लस डब्ल्यू प्लस 11 अपॉन 3। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका? एच प्लस डब्ल्यू, ओके जस्ट सेकेंड, ये आपका 3 हो गया। एच प्लस डब्ल्यू का वैल्यू आपको 46 दिया हुआ है, प्लस 11 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू आपका 19, ठीक? तो ये आपका 19 क्या हो जाएगा, तीनों का एवरेज, एवरेज ऑफ फैमिली नाउ। ओके, 19 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारा और बेसिक क्वेश्चन था आपका। ओके, चलते हैं होमवर्क की ओर। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। ये भी साइंटिस्ट बी में आया हुआ है, निलेट में 2016 में। निलेट का भी आप लोगों को पता होगा। ओके, नहीं पता है तो आप आराम से ब्लॉग वगैरह हैं गेट ओवरफ्लो पे, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप इसको जरूर सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बता दूंगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।